क्या हाल है आप सबके। आज चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम क्या होती है। डायरेक्ट एंट्री स्कीम या डायरेक्ट एंट्री स्कीम वो उसे कहते हैं जो कि सीए में दूसरे लेवल पर पहुंचा देता है, डायरेक्ट आईपीसीसी में। आईपीसीसी में डायरेक्ट क्यों पहुंचा देता है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, अगर आप कोई बीकॉम से हैं तो बीकॉम से आपको मैंडेटरी है कि आपको 50% पाना ही जरूरी है, 55% होना ही चाहिए आपका 3 साल का मिला के, ठीक है। अगर आप बीकॉम से नहीं हैं, आप किसी और स्ट्रीम से हैं, तो आपको 60% पाने चाहिए 3ों मिला के, ठीक है। 3ों को मिला के मतलब क्या, 3ों साल को मिला के, ठीक है। तो आपको एनी स्ट्रीम कोई भी हो, बीकॉम बीकॉम आर्ट साइड या बीए साइड या कुछ भी हो, तो आप उससे कर सकते हैं। आपको सीधे आईपीसीसी में एडमिशन मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन आप आईपीसीसी में करवा सकते हैं। चलिए और क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो आप, पहले तो ये हो गया कि आपको बीकॉम में 55% होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम का। अगर आप बीकॉम से हैं तो 55%, वरना आप कोई अदर स्ट्रीम से हैं तो आपको 60% मैंडेटरी है कि आपको पाना जरूरी है, वरना आपका आईपीसीसी में एडमिशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा सकते, ठीक है। ये चलो हमने ला दिया, हमने कि 65% है हमारा, परसेंट हो गया। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में आपको जब रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे तो आपको 9 मंथ की रजिस्ट्रेशन करना करवाने के बाद 9 मंथ को आपको आर्टिकल शिप चेक करनी मैंडेटरी होगी, तभी आपको उसमें बैठने एग्ज़ाम में बैठने को दिया जाएगा, वरना ऐसे बैठने को नहीं दिया जाएगा। कि ये आईसीआई की गाइडलाइंस है, जो आप ICORG में जा सकते हैं, गाइड पोर्टल पर जाइए ICI.org पे, उस पर प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करिए, डॉक्यूमेंट उसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि हमारे जब भी आप आईपीसीसी में डायरेक्ट एंट्री रूट के तहत आते हैं, तब तो आपको 9 मंथ की मैंडेटरी स्कीम पूरी करनी होगी, कि आपको 9 मंथ आर्टिकलशिप करनी होगी, ये मैंडेटरी है। 9 मंथ की आर्टिकलशिप करने से पहले आपको ICIO का ओरिएंटेशन कोर्स करना होगा। वो क्या होता है, ICITSS का। इसके लिए आपको अलग से वीडियो एक दे दी जाएगी। ICITSS का एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करा जाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या बैठना है, ये तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, वरना ऐसे बैठने को एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, पहले तो आपको 55% पाने चाहिए, फिर बाद में आपको 9 ICITSS की ओरिएंटेशन कोर्स जो होती हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IC ओरिएंटेशन कोर्स, इनमें आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी फ़ीस अलग होती है। इसमें आपको 1 मंथ 15 15 दिन की क्लासेस चलेंगी। जब आप वो क्लासेस पूरी कर लेंगे, तब आपको जो है आगे आगे आर्टिकलशिप के लिए जाना होगा। आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट होगी जब आप 1 मंथ का ये कर चुके होंगे। ध्यान रहे, जब 1 मंथ का आप कर चुके होंगे तभी आपको आर्टिकलशिप चालू होगी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग ये सब। फिर 9 मंथ की जब आर्टिकलशिप आप पूरी कर लेंगे सीए के द्वारा, आपको सीए के पास खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। आईसीआई नहीं भेजता, आपको खुद जाना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आपको जाना पड़ेगा पहले आईसीआई के पास, आईसीआई वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे तब आपको सीए ढूंढना पड़ेगा। सीए के पास आप आर्टिकलशिप चालू करेंगे कि आप यहाँ से, यहाँ फॉर्म फिर भरा जाएगा। फॉर्म आपको वहाँ से आईसीआई प्रोवाइड, सीए कहेगा कि हम अटेंडेंस आपकी दे देंगे, तब आप वहाँ से अटेंडेंस लीजिए। 9th मंथ की जब तक आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो जाती, छुट्टी वुट्टी सब मिला के, तब तक आपको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा, ये आप फिर पक्का है। इसीलिए डायरेक्ट एंट्री रूट, डायरेक्ट एंट्री स्कीम अलग होती है। सीए फाउंडेशन से कम होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री रूट इसी को कहते हैं, और ज़्यादातर कुछ है नहीं डायरेक्ट एंट्री स्कीम में, इसी तरीके से होता है। जब आप जाएंगे वहाँ पर आईसीआई के ब्रांच, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप मोबाइल पे चाहे जितना यूट्यूब पे देख लीजिए, लेकिन आपको एक बार ज़रूरी है कि वहाँ पे आप जाइए, क्योंकि जो वहाँ से जानने को मिलेगा आपको, वो यहाँ पे यूट्यूब पे इतना कोई बताता नहीं है। क्योंकि मैं भी जब गया था तो मुझको भी इसी तरीके से नई नई बातें पता चली थी। तो आपको पहले तो डायरेक्टरी रूट में क्या क्या होता है। डायरेक्टरी रूट में पहले आपको ग्रेजुएशन पास होने चाहिए ICI की गाइडलाइंस के तहत, कि 55% होने चाहिए बीकॉम की तरफ से, और एनी अदर स्ट्रीम 60%, ठीक है, 60%। फिर बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ICITSS की क्लासे लेनी होगी, जो 1 महीने चलती हैं। उसका बैच अलग से मिलता है आपको ICI.org पे मिल जाएगा, ICI की साइट पे मिल जाएगा। फिर बाद में आपको यहाँ पे 9th मंथ की आर्टिकलशिप करनी होगी सीए के पास, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई चलती रहेगी,
बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। फिर 9 मंथ के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने को दिया जाएगा, उससे पहले आपको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी अटैम्प्ट हो। तो इसलिए टाइमिंग से और हिसाब से, प्लानिंग से आप उसको देखिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़िएगा। वरना ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, जैसे मुझको दिक्कत हुई थी। ठीक है, आपको फिर बाद में ICIE की TSS की एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दी जाएगी, उस पर आप देख करिएगा, देख के फिर बताइए। अगर आपको ऐसे TSS की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कह सकते हैं, देख सकते हैं, हमको बताइए, तो हम ऐसे TSS की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और CA फाउंडेशन की वीडियो अगर चाहिए तो CA फाउंडेशन की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ नहीं होता, यही सब होता रहता है। ठीक है, जब ये आप सारी प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसी हिसाब से अपना अटेम्प्ट जब भी चाहते हो तो उसी हिसाब से प्लानिंग करके आप चलिएगा कि 9th मंथ आगे का लेकर चलिएगा कि अब से मैं स्टार्ट करूँगा तो अगले 9 महीने के बाद मैं मई या नवंबर पर अटैम्प्ट दे पाऊँगा। ठीक है, और ये ICIE कोई फीस वीस कोई अलग नहीं होती, डायरेक्ट एंट्री जितनी भी इंटर की होती है वो रजिस्ट्रेशन, चाहे वो CA फाउंडेशन से रूट से आए चाहे डायरेक्ट रूट से आए, उनको यही तरह के से होता है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री रूट का ये बेनिफिट होता है कि आपको फाउंडेशन रूट, फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन जो लेवल होता है उसको आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे आपको नेक्स्ट लेवल पर बैठा दिया जाता है कि नेक्स्ट लेवल पर आप बैठिए। ये होती है सारी ICIE की गाइडलाइंस। ठीक है, और यही डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और जो भी होता है वो आप सब ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें होंगी, और कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से बस इतना ही होता है, क्योंकि मैं जब गया था तो इतना ही सब मेरे साथ हुआ था, मुझे भी नई नई चीज़ें पता चली थी। और ये वो गैस मेरी पहली वीडियो है ये, तो ये जैसे बोलने वोलने का तरीका मुझे थोड़ा बहुत है, अभी तो नहीं आता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगा। प्लीज़ लाइव वीडियो को लाइक, पसंद आई हो, आपको नॉलेजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। सी यू ऑल, ठीक, थैंक यू सो मच।